नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों में जो समस्या ज़्यादा परेशान करती है, एड़ियों से समस्या है, तो वो है फटी एड़ियाँ। तो इस विषय में हम बात करने वाले हैं और इस विषय में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा ठाकुर। तो डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू। फटी एड़ियाँ ठंड में ही क्यों ज़्यादा लोगों को परेशान करती है? गर्मियों में देखा जाता है कि एड़ियाँ नॉर्मल है, लेकिन सर्दी आती ही वो फटने लगती है और ड्राई होने लगती है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? फटी एड़ियाँ ये ड्राई स्किन के कारण होता है। तो जैसे ही विंटर्स आता है, हमारा स्किन के कारण ड्राई होता है, और जितना वो ड्राई होते जाएगा, मॉइस्चराइजर पानी कम सोख पाता है हमारा स्किन, तो वो ड्राई होते होते चमड़ा हमारा कटने लगता है। जो ड्राई स्किन होके फिर फटी एरिया, जैसे कि हम स्किन का सोल का फटना कहते हैं, उसके रूप में ये दिखाता है। ये समस्या जब होती है तो एड़िया दर्द भी करने लगती है, तो इनको कैसे ठीक कर सकते हैं कि जो दर्द कम हो? इसको बचाने के लिए सबसे पहले आपको विंटर्स में बंद जूते का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉटन के या जूती, किसी भी बंद जूती का इस्तेमाल करना है। अपने पैरों पे डीप मॉइस्चराइजर, जो पैर के लिए अलग मॉइस्चराइजर आते हैं, तो अपने डॉक्टर की परामर्श पे डीप मॉइस्चराइजर लगाएं, और उसको फ्रीक्वेंटली लगाना है। जितना ज़्यादा आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, आपको कभी भी फटी एड़ियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, क्रैक हील रिपेयर क्रीम आता है, वो सबका इस्तेमाल करने से कुछ हद तक ठीक होता है, लेकिन समस्याएं अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वैसे ही बढ़ जाती हैं। ये फटी एड़ियाँ एक्चुअली कुछ बीमारियों में भी, कुछ एक्जिमा में भी होता है। अगर किसी को पैर का एक्जिमा है, जैसे सोरियाटिक अगर एक्जिमा है, तो वो किसी भी क्रीम से नहीं कम होगा। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखा के दवा का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो ठीक होगा। साथ ही अगर मुलायम रखने के लिए, जो समस्याएं नहीं हुई हैं, फटी एड़ियाँ किसी को नहीं हुई हैं, लेकिन एड़ियाँ ड्राई हो गई हैं, रुखी रुखी नज़र आती है और अच्छा भी देखने में नहीं लगता, तो वो क्या कर सकते हैं अपने स्किन पे? वीक में एक बार गर्म पानी में आपको अपने पैर को डालना है और उसको साफ करना है। उसके तुरंत बाद गीले पैर में ही आपको डीप मॉइस्चराइजर लगाना है, और नहाने के तुरंत बाद ही डेली डीप मॉइस्चराइजर का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपके एड़ियाँ हमेशा सॉफ्ट रहेंगी। जब लोग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे पहले उन्हें क्या करना चाहिए और क्रीम लगाने के बाद किन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि एड़ियों में किसी तरह की, जो क्रीम लगाई है उसका इस्तेमाल किया, उस किसी तरह का हार्मफुल ना हो? क्रीम में बस मॉइस्चराइजर ही लगाना है, और किसी भी तरह की क्रीम का इस्तेमाल एड़ियों पे नहीं करना है। और जब आप पैर को साफ करते हैं, उसको पूरी तरह पोंछने से पहले, जब 50% ही आपका पैर सूखा हो, हल्का गीला हो, तभी आपका मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल आपको करना है। उसी से आपकी एड़ियाँ हमेशा सॉफ्ट रहेंगी। विंटर में जो लोग दिन भर सॉक्स का इस्तेमाल भी करते हैं, तो क्या उसकी वजह से भी किसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं? सॉक्स पहनने से पहले भी बस आपको पैरों में मॉइस्चराइजर लगाना है, और सॉक्स पहनना है तो सॉक्स को डेली साफ करना है विंटर्स में भी। और इनफैक्ट जूते भी अगर आप रेगुलर पहनते हैं, तो वीक में एक बार धूप में रखना है, तभी आपको पैर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन या बाकी बीमारियों से आप बच पाएंगे। तो एड़ियों से जुड़ी जो समस्याएं के साथ जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, और आपने हमारे साथ बहुत सारी जानकारी भी साझा की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आप डॉक्टर ऋचा ठाकुर को सुन रहे थे, जिन्होंने सर्दियों में फटी एड़ियों के बारे में जिक्र किया कि किस तरीके से हम उसका ख्याल रख सकते हैं। अगर आपके साथ भी ये समस्या है, तो डॉक्टर साहिबा ने जिस तरीके से बातें बताई है, वो अपने आप इस्तेमाल कर सकती हैं, आप अपने एड़ियों पर इस्तेमाल कर सकती हैं, और इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।